बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सूबे के राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग लालटेन वाले के साथ हैं वह बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी वह आज संविधान बचाने की बात कर रही। अभी हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। सर, कांग्रेस जो है अपनी खोई ताकत बिहार में तलाशना चाहती है और लगातार जो है नवादा के मामले को लेकर के अब संविधान रक्षक कैंपेन चलाने जा रही है बिहार में, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, इस देश का नमक खाके और भारत के लोकतंत्र का मजाक जा करके भारत का जो है विरोध में, भारत के विरोध में, आरक्षण के विरोध में और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए विदेश में बयान देते हैं, और उस पार्टी का कोई नेता संविधान रक्षा की बात करे, ये तो बड़े शर्म की बात है। संविधान का माखौल उड़ाने वाला उसका नेता राहुल गांधी और संविधान की बात कैसे कर सकता है? स्मार्ट मीटर जो बिहार में लगा है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि यह अडानी का मीटर है, कैसे वो पूंजीपतियों के लिए या फिर अडानी अंबानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बीजेपी इस कंसर्न में क्या सोचती है? देखिए, स्मार्ट मीटर आज नहीं कल तो लगना ही है, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। पहले हम लोग लालटेन में रहते थे, अब हम लोग को जो है बिजली आ गया है, तो जब बिजली आ गया तो लालटेन को कोई पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। उसी तरह जब स्मार्ट मीटर आ गया, अगर इसमें कोई खामी है तो खामी के बारे में बतावे, लेकिन सिस्टम ही नहीं बदले ऐसा थोड़े होता है। क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह का जो बिहेव कर रही है और हमेशा एनडीए सरकार पर आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो कहें कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के एनडीए को घेरने का, क्या लगता है कि नैरेटिव जिस तरह से 2024 देखिए इनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये लोग बेरोजगार लोग हैं, कोई काम इनके पास नहीं है और ये लोग अब इन्हीं सब बातों का दुकानदारी चलाना चाहते हैं। जनता सब समझती है, आज़ादी से लेकर आज तक इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। कांग्रेस और राजद सब का दिन पूरा हो गया और इनको अब जनता नकार चुकी है। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है बिहार में, कैंपेनिंग जो है सदस्यता अभियान का कहां तक पहुंचा है? बीजेपी का सदस्यता अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है, मात्र 17-18 दिन में हम लोगों ने 20 लाख जो है फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन सदस्य बना लिया, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है बीजेपी का। कैमरामैन सुनील के साथ नील कमल, कशिश न्यूज़।